तो दोस्तों ये वीडियो हर उस स्टूडेंट के लिए इंपॉर्टेंट है जिसने एसएससी स्टेनोग्राफर 2024 का फॉर्म फिल किया है और इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहा है, चाहे वो इस एग्ज़ाम के सिलेबस को 50% कंप्लीट कर चुका हो या फिर 70-80% सीबीटी का पूरा सिलेबस कंप्लीट कर चुका हो या स्टार्ट किया हो, उन सब के लिए इंपॉर्टेंट है। क्योंकि हर उस स्टूडेंट जो इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहा है उसके लिए एक एक दिन बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस टाइम में कम टाइम में एक ऐसा सब्जेक्ट जिसके एग्ज़ाम में वेटेज 50 मार्क्स की है, और ये सब्जेक्ट मतलब ऐसा है कि इसमें जितना वर्क करोगे उतना आउटपुट देगा। अगर आपने सब्जेक्ट में 100% वर्क किया, मेहनत करी इस पे, तो ये आपको इसका रिजल्ट आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा। जितना पढ़ के जाओगे उन टॉपिक से वो क्वेश्चंस आपको देखने मिलेंगे। ये जीएस की तरह नहीं है कि जो पढ़ो उसका कुछ पता नहीं आएगा नहीं आएगा। तो ये सब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और सबसे बड़ी बात, ये सब्जेक्ट इंग्लिश की तरह बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये स्कोरिंग सब्जेक्ट है रीजनिंग के मार्क्स। क्योंकि आपको पता है एक बार कंसेप्ट क्लियर करो उसके बाद सिर्फ प्रैक्टिस करनी होती है, और ये आपको एग्ज़ाम में मॉक टेस्ट में सब में स्कोर अच्छा देते हैं। और इससे आप मतलब आपकी कॉन्फिडेंस बूस्ट रहता है प्रिपरेशन के दौरान, फुल्ली मोटिवेट रहते हो, और एग्ज़ाम में भी आपको इतना मार्क्स लाने के लिए आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है जो फाइनल कट ऑफ के करीब पहुंचे उसको क्लियर कर सको, सिलेक्शन ले सको। तो मैं बताना चाहूँगा रीजनिंग के बारे में और रीजनिंग को इतने कम टाइम में कैसे कंप्लीट करें। जितना टाइम बचा हुआ है 2.5 मंथ 3 मंथ, इससे भी कम टाइम में आप गिने चुने जो मैं टॉपिक्स बताऊँगा, सिर्फ सेलेक्टेड टॉपिक्स जिनको आप कवर करोगे तो पूरा जितना वेटेज है 50 मार्क्स का वो सब आपका कवर हो जाएगा। और इन टॉपिक के अलावा अगर एक दो टॉपिक ऐड भी हो जाएंगे तो उनकी अगर वेटेज होगी एग्ज़ाम में 1 या 2 मार्क्स की, तो ये मान के छोड़ देना कि आपको वो भी कवर करके चलना है, ये भी कवर करके चलना है। क्योंकि 50 में से 50 लाना अगर आप टारगेट कर रहे हो ठीक है, लेकिन जितना पढ़ के जा रहे हो ना, अगर इतने इसी को इन टॉपिक्स को अच्छे से पढ़ लिया तो आप 45+ मार्क्स रीजन में आराम से लाओगे। और अगर सब ठीक रहा तो 50 में से 50 भी स्कोर कर सकते हो। कुछ टॉपिक्स रहते हैं अगर जल्दबाजी में आपने कुछ होता है कि एक स्पीड में मेंटेन करने के लिए एग्ज़ाम में कुछ करेक्शंस हो जाते हैं कैलकुलेशन के टाइम, रीजनिंग थोड़ा कैलकुलेटिव कुछ टॉपिक्स होते हैं जिसमें मतलब ऑप्शन भी निकाल लिया, सही आंसर भी निकाल लिया, लेकिन टिक और कहीं हो जाता है। प्रेशर का भी बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है उस टाइम एग्ज़ाम रूम में एक स्टूडेंट के ऊपर। तो वो सब चीज़ें क्लियर करते हुए मैं आपको इन 30 डेज में, सिर्फ 30 दिनों में अपनी पूरी रीजनिंग इंपॉर्टेंट टॉपिक्स सेलेक्टेड टॉपिक्स हैं उनको कवर कर लो पूरा 50 मार्क्स का वेटेज कवर, एक बार कवर कर लिया बस फिर प्रैक्टिस करते रहो, आपके 50 मार्क्स सेफ हैं। और जो सबसे ज़्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट है, तो इनके कुछ टॉपिक्स मैं आपको बता दे रहा हूँ जो आपको बहुत हेल्पफुल करेंगे। क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स प्रीवियस वीडियोस में बहुत ज़्यादा डिमांड कर रहे थे, जब से मैंने बोला कि मैं रीजनिंग का पूरा सिलेबस पढ़ने नहीं बैठूंगा, मेरे लिए कम टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है और ये टाइम मेरे लिए इतना इंपॉर्टेंट है, इसमें जितना जल्दी कम टाइम में सब चीज़ें कवर हो जाएँ, वो भी एग्ज़ाम ओरिएंटेड प्रिपरेशन करनी है जिसे बोलते हैं आजकल कुछ लोग स्मार्ट स्टडी, मतलब सेलेक्टेड चीज़ें पढ़ो, एग्जाम में जो आ रहा है वो पढ़ो। अगर आप एसएससी के ट्रेंड को भी देखोगे तो उसमें भी टॉपिक्स आपको सिमिलर दिखेंगे। और एसएससी स्टेनोग्राफर एग्जाम में खास तक उसका अगर आप प्रीवियस है कि कोई भी शिफ्ट देख लोगे तो उस हर एक शिफ्ट में जिसको आप देखोगे जिसको एनालाइज करोगे तो ये टॉपिक्स आपको देखने को मिलेंगे। और जितनी वेटेज बता रहा हूँ उसके करीब पूरा ही मतलब उतनी ही वेटेज रहेगी। तो ये टॉपिक्स का मार्क्स वाइज बताने से अच्छा है, वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगी कि ये अगर टॉपिक है तो इसके 5 से 6 मार्क्स आपको देखने को मिलेंगे क्वेश्चंस, या ये टॉपिक है इससे 3 से 4 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। इतना डिटेल मैं आपको आने वाली कुछ वीडियोज में कवर कर दूंगा सब चीज़ें कि कौन से टॉपिक्स थोड़ा टाइम टेकिंग होते हैं। और अगर प्रिपरेशन स्टार्ट करो तो आपके लिए ये चीज़ें होंगी, लेकिन जिन्होंने सिलेबस को कंप्लीट कर लिया या फिर इससे पहले एग्जाम कोई दिया है दूसरा भी, तो उन्हें रीजनिंग का आइडिया होता है सिलेबस का। तो दोस्तों मैं एक सीक्वेंस से बताना चाहूँगा, ये सीक्वेंस वेटेज वाइज नहीं है ना मार्क्स वाइज है, मैं आपको रैंडमली टॉपिक्स बता रहा हूँ जिनकी लिस्ट मैंने बनाई है। जैसे एक हो गया आपका इमेज वाला जिसमें वाटर इमेज वगैरह पूछते हैं, वाटर इमेज और ये मिरर इमेज वगैरह। दूसरा हो गया फिगर, फिगर से रिलेटेड जितने क्वेश्चन आते हैं ये दो हो गए। तो इन दो ही से खाली 4 से 5 मार्क्स की वेटेज क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। और इसी के साथ मैं आपको बताना चाहूँगा काउंटिंग फिगर हो गया, डाइस हो गया, पेपर फोल्डिंग हो गया, इनइक्वालिटी वाला हो गया, कैलेंडर हो गया, और मिसिंग अल्फ़ाबेट्स वाला जो होता है ना ABC और बीच में गैप होता है उस तरह का, वो टॉपिक हो गया। उसी के साथ साथ मिसलेनियस, उसमें कोई भी आपको पता किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं उसका, इन सब को दोस्तों आप नोट कर लेना है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं और हर एक टॉपिक का एग्जाम में क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। तो ये हर एक टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट है। सीटिंग अरेंजमेंट टाइप टेकिंग टॉपिक है, इसमें आपको सर्कल में देते थे ट्राइंगल में दे देते हैं, तो ये टाइम सीटिंग अरेंजमेंट आपको पता है वो तो देखने को क्वेश्चन मिलता है।
कोडिंग डिकोडिंग हो गया एक टॉपिक, और उसके साथ साथ ऑड वन आउट, ये भी इसके दो से तीन क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं, और आपको कोडिंग डिकोडिंग का भी पता है। और दोस्तों उसी के साथ साथ डिक्शनरी के रिलेटेड जो क्वेश्चन आते हैं वर्ड्स दिए होते हैं, और इसके साथ साथ ये जो टॉपिक्स हैं इनका वेटेज कुछ ज़्यादा ही है। एनालॉगी हो गया, नंबर बेस एनालॉगी हो गया, मतलब नंबर सीरीज़ हो गया, और इसी के साथ साथ आपका ब्लड रिलेशन हो गया, अल्फ़ाबेट सीरीज़ आपको बता चुका हूँ पहले ही, सिलोगिज्म हो गया, और इसी के साथ साथ एक है मैथमेटिकल ऑपरेशन। इसके तो सबसे ज़्यादा आपको क्वेश्चन, अगर कोई टॉपिक है जिसके सबसे ज़्यादा आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे तो वो जैसे एक पूरा बॉक्स दिया होता है, डिजिट्स इधर लिखी होती है इधर लिखी होती है, बीच में एक नंबर मिस होता है, उसको कैलकुलेट करके निकालना होता है किस कंसेप्ट के थ्रू यहाँ पे कौन सा नंबर मिस होगा, क्या यहाँ पे चल रहा है पूरा फॉर्मेट। तो दोस्तों ये जितने भी मैंने टॉपिक्स आपको बताए हैं या हर एक टॉपिक को नोट कर लेना, और किसी भी प्रीवियस ईयर शिफ्ट से आप इसको मैच कर लेना, हर एक ये टॉपिक से आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा जो एग्ज़ाम में आपके 50 मार्क्स की रीजनिंग आती है इन्हीं टॉपिक से घूम फिर के आती है, इन्हीं के आसपास, इससे ज़्यादा नहीं हो रहा, एक दो मार्क्स आ भी जाएगी जो मैंने आपको बता दिया तो नहीं भी सही, 50 में से 49 तो आएंगे, 48 तो आएंगे, दो टॉपिक नए भी आ गए तो 48 तो आ जाएंगे। तो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि पूरा कवर करने से अच्छा है बिल्कुल सेलेक्टेड चीज़ें पढ़ने के लिए, हर एक टॉपिक की अच्छे से एक बार आप कवर कर लो, उसकी प्रैक्टिस कर लो, फिर प्रीवियस ईयर पूरा मतलब ख़त्म करके, और आप मॉक्स के थ्रू आपकी डेली प्रैक्टिस चालू रहेगी। तो ये आप लोग के लिए वीडियो बनाई हो, इसी तरीके की अगर आपको जीएस के लिए चाहिए हो या इंग्लिश के लिए चाहिए हो डिटेल, उसमें भी मैं आपको बता दूंगा हर एक चैप्टर का टॉपिक वाइज क्या वेटेज रहता है, या फिर कौन कौन से टॉपिक्स को आप पढ़ें और कौन किन चीज़ों को इग्नोर करें, क्योंकि सब पढ़ना ये स्मार्ट स्ट्रेटजी के अंदर नहीं आता है, ना स्मार्ट स्टडी के अंदर आता है। सेलेक्टेड चीज़ें पढ़नी होती है जब एग्ज़ाम के कुछ महीने बचे होते हैं, उसमें आपको बस एग्जाम में जो आ रहा है, एग्जामिनर जो पूछ रहा है, जिस पे क्वेश्चंस बनते हैं उन्हीं पे वर्क करना होता है। और ये बात मेरी हमेशा याद रखना, आपको ज्ञानी नहीं बनना है, आपको एग्ज़ाम क्लियर करके एक सीट लेनी, कट ऑफ क्लियर करना, इतना मार्क्स लाना है, तो आपको सिर्फ एग्ज़ाम में जो आ रहा है वो पढ़ना है, हर चीज़ नहीं पढ़ना है। सिलेबस में तो बहुत कुछ दिया है, और आप अभी भी किसी उठा के मैच करके देख लो प्रीवियस ईयर के साथ उस सिलेबस को, उन टॉपिक से तो क्वेश्चन से नहीं आते जिस आपसे सिलेबस में दिया है, सिलेबस तो तीन लाइन में ख़त्म कर दिया है, तो उन तीन लाइन में क्या कितना छोटा सिलेबस होगा कुछ जैसे जीएस का या फिर और भी किसी चीज़ का, इंग्लिश का, तो लेकिन आते कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन है। तो इसलिए सिलेबस और प्रीवियस ईयर को एक बार ठीक से देखा जाता है, तब जाके आप एग्ज़ाम बिल्कुल अच्छी स्टडी कर पाते हो जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं उस तरीके से। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और इस टाइम आपका हर एक दिन बहुत इंपॉर्टेंट है, जितने भी स्टूडेंट सीरियस हैं एग्ज़ाम को लेके, और उनको कहीं हर मतलब सिलेक्शन लेना ही है, उस लेवल की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो अपने समय को बर्बाद ना करिएगा, अपनी प्रिपरेशन से चीट मत करिएगा, अपना बेस्ट नहीं मतलब सुपर बेस्ट दीजिएगा, और उसके अंदर जो कहते हैं ना अपना 100% दे रहे हैं, 110% देना है, मतलब झोंक देना है अपने आप को पूरी तरीके से। और दोस्तों किसी भी तरीके की कोई आपकी क्वारी हो तो कमेंट बॉक्स आपके लिए ओपन है, कुछ भी करिए, और ग्रुप का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, टेलीग्राम स्टडी ग्रुप, उसमें ज्वाइन हुई है, और भी स्टूडेंट्स से उनसे डिस्कशन करिए, तो आपके जो डाउट्स हैं फिल्टर होंगे, कुछ क्वेश्चन अगर हों जिसमें मैं कुछ हेल्प कर सकता हूँ, आंसर दे सकता हूँ, मैं उसका भी दे सकता हूँ, उसी के साथ साथ कोई भी सब्जेक्ट के बारे में कुछ पूछना हो तो, या बुक्स या जिस तरीके से आपको चीज़ें चाहिए हों, बस वीडियोस थोड़ा जल्दी जल्दी नहीं आ पाएंगे क्योंकि मैं खुद प्रिपरेशन कर रहा हूँ, लेकिन वीडियो आएंगी ज़रूर आपकी प्रिपरेशन को बेहतर करने के लिए, जितना कुछ मेरे से हो सकता है मैं करूँगा, अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगा, जितनी रिसर्च आप करोगे आपका टाइम वेस्ट होगा वो आपकी जगह मैं कर दूँगा ताकि आपका टाइम बच सके। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाली हर इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपको मिल सके।